वेलकम अगेन, और हम है इबादत रमज़ान में। और मैंने कहा था ना कि इबादत रमज़ान में होगी, बच्चों की रोज़ा खुश आए। तो ये बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, बड़े प्यारे प्यारे से। सबसे पहले ये कौन है, माइक दीजिएगा वाइट दुपट्टे वाली बच्ची को। चले आप ये वाइट, क्या नाम है आपका गुड़िया? फिजा साजिद। फिजा ने आज पहला रोज़ा रखा जी। भूख लगी, प्यास लगी? बिल्कुल भी नहीं। फिजा तो बड़ी स्ट्रांग है, तो फिर पूरे रोज़े रखने हैं फिजा। अच्छा ये टीके वाली बच्ची को दो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज तो निकालो, रोजा लग रहा है। अब बोली ना, क्या नाम है आपका गुड़िया? रमेशा खान। ऊंचा बोलो, रमेशा खान। हकीम साहब, इनको रोजा लग रहा है ना जी? इनको रोजा लग रहा है ना? जोर से नहीं बोल। नहीं नहीं, ये रमेशा खान। नहीं नहीं, रोजा नहीं लग रहा, बेचारी शर्मा रही है। दुल्हन बनी हुई इसकी रुखसती का वक्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बच्ची है। ओके रमेशा खान। अच्छा उसके बराबर में कौन है? रमा खान। आप उनको दे ना माइक जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाह यार, ये तो मिल। कौन सा रोजा, पहला? पक्का थोड़ा तो नहीं? मुझे तो मम्मा ने कहा था आपने थोड़ा सा पानी पी लिया। नहीं पिया? मैंने नहीं पिया। पक्का? बेटा झूठ तो नहीं बोला आज? आज कोई झूठ तो नहीं बोला? झूठ नहीं। अच्छा नमाज पढ़ी आपने? अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? आयजा। आयजा, आयजा रोजा कहाँ रखा बेटा? घर पे। घर पे रखा ना? ये बच्ची है बिल्कुल ठीक, इसके साथ मजा आएगा बात करने में। तो अलमारी में रखा या फ्रिज में रखा? फ्रिज। फ्रिज में रखा, मजा आया। अब ये और इसका रोजा ही तोड़ते। अरे ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम आपका फ्रिज खोल के रोजा तोड़ देंगे। ये वाज ने कहा है, अब क्या करें? टूट जाएगा इस तरह? नहीं। रोजा कैसे टूटता है पता है आपको? कैसे टूटता है? अगर पानी पी लो फिर टूट जाते हैं। अच्छा अगर लड़ाई करेंगी तो भी रोजा टूटेगा? लड़ाई करने से टूटेगा? बल्कि उससे तो सर भी फूटेगा। हकीम साहब की मजे मजे की बातें साथ साथ। ये टीके वाली लड़की को बात सुन। अच्छा जी माइक इनके पास चला गया, क्या नाम बताया था बेटा? आमना। आमना, और इतना प्यारा नाम है देखो जी, इनका जी, नाम ना? ये हमारे बीबी आमना। अच्छा ये बताइए मुझे कि आमना, आपने जब मम्मा ने रोजा रखा है, खुद खुद खुशी 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 रखा है? खुद खुद से? पक्का? अच्छा आमना, मैंने पूछा था आपने नमाज पढ़ी? हाँ। पढ़ी थी मैंने। कितनी कितनी नमाज़ें पढ़ी अब तक? मैंने फजर और जहर की पढ़ी थी। शाबाश शाबाश, ये तो बहुत काम की बात। अच्छा किस किस बच्चे ने नमाज पढ़ी है? हाँ, किस किस बच्चे ने पढ़ी? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, टीके वाली कैसे झांकी। अच्छा भाई बात सुनो, अगर झूठ बोला ना तो रोजा टूट जाएगा, याद रखना। वो बच्चे इस रहे कि झूठ बोलेंगे तो रोजा टूट जाएगा। जल्दी से जिसने नहीं पढ़ी नमाज जाती है। जल्दी जल्दी। अच्छा इन्होंने भी पढ़ी है पूरी पांच? इन्होंने भी पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी, क्या बात। अच्छा सिर्फ अब ये पूछना है, इन्होंने कल रोजा रखेंगी कि नहीं, क्या कहते हैं? अच्छा कल रोजा? बिल्कुल रोजा। सच्ची प्यास तो थोड़ी सी लगी होगी? उनको माइक दे, कुछ कह रही, कुछ कह रही। और मैंने आपका कल ना आपका पूरा चैनल देखा था, बहुत ही अच्छा लगा। प्रोग्राम नहीं देखा मैंने, पूरा चैनल देखा था। अच्छा नहीं, प्रोग्राम देखा है बच्ची ने, क्या बात है। अच्छा कौन अच्छा लगा बेटा? हाँ ये बात बहुत। उस प्रोग्राम में मैं नजर आया आपको? हाँ यस, आप भी थे। सभी आंटी भी थी जी। अच्छा कौन अच्छा लगता है आपको? सभी आंटी अच्छी लगती है? यकीम साहब मुझे ये अच्छी लगती है आंटी। बस सब आप वोट बैंक आ गया, मैं जीत गई हूँ। अच्छा जी मेरी प्यारी प्यारी शहजादियों, अपने अम्मी अब्बू की शहजादियों, खुश रहो आबाद रहो जियो। और अभी हम आपको बिल्कुल और आपके लिए पता गिफ्ट भी है, लेकिन वो आज नहीं दूंगी, कल रोजा रखूंगी फिर दूंगी। अब सोचो मैं पड़ेगी ये कौन से गिफ्ट है जो कल मिलेंगे। कल मिलेंगे बिल्कुल, और हमारी दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सारे तोहफा, और खुश रहो आबाद रहो। वाह, ये बताओ ये बच्चों ने रोजा रखा, और इनके लिए आप क्या छोटा सा मैसेज देना चाहते हो? जो छोटे बच्चे रोजा रखते हैं, और उनका अब आपने भी रोजा रखा है, तो जब नया नया इनिशियली जब पहला रोजा होता है उसकी एक्साइटमेंट क्या होती है, खुशी क्या होती है? मुझे भूख भी लगी, प्यास भी लगी, सब हुआ।
आए आए। हालांकि उस दिन मैं रोजा कुशाई अपनी मेरी बाहर थी रेस्टोरेंट में, उसके लिए बाहर भी निकला था, धूप थी, मगर तब भी मुझे रोजा नहीं लगा। क्या बात हकीम साहब, बचपन में रोजा आपके कुशाई हुई थी? हमें नहीं नहीं ये छुप छुप के खाते थे। रोजा कुशाई हुई, पूरे फैमिली मेंबर्स थे, पूरा खानदान था, और उसमें जितने मुझे गिफ्ट मिले मैं देख रहा था, मैंने कहा मैं तो रोज रोज मैं 30 रोजे रखूंगा, क्या 30 रोजों में इस रोजाना इतने गिफ्ट मिलेंगे? तो मेरे अबू ने कहा कि नहीं, पहला रोजे पे बेटा ये गिफ्ट मिलता है, उसके बाद जो है फिर आपको गिफ्ट अल्लाह मियाँ किस तरफ से शुरू होता है आपको पता है कि रोज़ा जो है वो आपको आपकी बीमारियों को ख़त्म करता है, आपको सेहतमंद करता है, आपको गोरा कर देता है, आपको टॉल कर देता है, समझे ना? तो मैंने कहा मैं पूरे रोज़े रखूँगा। क्या बात। तो वह फिर इसी खुशी में कि अल्लाह मेरे जो है फिर अल्लाह से मुलाकात होगी, आपके ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लम आएंगे। क्या बात। तो क्या बात आपने की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और मेरे प्यारे भाई जो है, मैं चाहती हूँ कि अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या सहारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह, और ये दुनिया कुछ नहीं परवा, पर न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, गुनाह पर
गया रसूल अल्लाह मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह और तेरा दर हो मेरा से हो सुकून दिल माया से हो फिर कब तक ये अंजुम रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थे जो नाते सना पेश कर रहे थे और मारूफ सना ख्वाह हैं और मैंने इनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, इसके लिए मैं अपने भाई से माजरत चाहूँगी क्योंकि इनकी गुफ्तगू नबी की बात हुई तो मैंने फौरन कह दिया मेरे भाई आप नात सुनाएं, तो सैयद जुबैर क्योंकि वो गुफ्तगू नबी की चली तो मैंने ये इंट्रोडक्शन बहुत कम है जितनी खूबसूरत इन्होंने नात पढ़ी है। हाय 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 वाकई मैं बिल्कुल उसमें मैंने इसीलिए माजरत दी थी में चला गया इसमें कोई शक नहीं है मेरे प्यारे भाई सनाख्वा जो है सैयद जुबैर रहमानी ने जो इस वक्त नात सुनाई है और मशहूर मारूफ सनाख्वा है माशाल्लाह बहुत सारी महफिलें अटेम्प्ट करते हैं वहाँ पर जाके अपनी आवाज़ का जो जादू चलाते हैं जिस तरह ये महसूस हुए मैं वही मेरे दिल से दुआ है कि इनकी आवाज़ में अल्लाह पाक इसी तरह खूबसूरत जो है सब सुनते हैं हमारे कानों को महसूस करते रहे। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादतें रमज़ान के साथ।